सुबह सुबह का टाइम है गाइस, लॉस सेंटोस के अंदर एकदम मौसम हो रखा है यार खतरनाक वाला। और यार तुम लोगों तो पता है यार सुबह मेरे पास क्या काम है, मेरे पास काम है गाइस सुबह सुबह खाना ले जाना, वो भी चॉपर मेरे लिए। भाई लिटरली हम लोग सुबह कभी घर पे खाना बनाते ही नहीं है, हमेशा बाहर से ही आता है, जिस वजह से यार आधा टाइम तो हमारा बाथरूम में निकल जाता है। भाई साहब हालत खराब हो जाती है बाहर का खाना खाते खाते, बट क्या ही कर सकते हैं गाइस, घर पे खाना बनाना आता नहीं है। और भाई साहब चॉप को भी वैसे भी बाहर का ही खाना पसंद है, इसलिए गाइस लोग बाहर से ही लेकर आते हैं। लेट्स गो गाइस, आज मेन्यू में है अपना एकदम मस्त वाला गाइस स्पेशल वाला पिज्जा, और वो भी गाइस महंगा वाला पिज्जा भाई, 200 रुपए का पिज्जा। वरना हम लोग यार 70-80 वाला पिज्जा खाते हैं, लेकिन गाइस आज है 200 रुपए वाला पिज्जा और साथ में है गाइस कोल्ड ड्रिंक। अब देखते हैं यार इसमें पेट भरता है कि नहीं। फिलहाल तो फाइनली मैं घर पर आ चुका हूं। लेट्स गो पिज्जा गाइस, मैंने अभी रखा हुआ है अपने जैकेट में छुपा के, और मैं भाई सरप्राइज देने वाला हूं यार चॉप को। चॉप ने मुझसे मंगवाया था गाइस बर्गर, लेकिन मैं लेकर आया हूँ पिज्जा। अब देखते हैं गाइस क्या ही सीन होता है। लेट्स गो, बाइक को मैंने बाहर ही रख दिया है। चौप भाई क्या हाल चाल है, कहाँ गया ये? ओ वो रहा, क्या कर रहा है भाई चौप आजकल तू? भाई साहब यार कल ये बर्गर दिख नहीं रहा यार। नहीं नहीं मैं लाया हूँ बर्गर बहुत ही स्पेशल वाला। ऐसे भाई साहब यार एक चीज सोच रहा हूँ मैं। क्या भाई क्या हो गया? भाई साहब यार कल रात को जब मैं उठा था यार पानी पीने के लिए, तो पानी नहीं मिला। अब नहीं पानी पीने के लिए जब मैं कल रात को उठा ना, उठ नहीं पाया तू। भाई साहब पहले सुन तो सही मेरी बात। हाँ क्या हुआ? अबे कल रात को मैं पानी पीने के लिए उठा तो ये अपने स्विमिंग पूल का पानी हरा हरा चमक रहा था। क्या ही बकवास कर रहा है तू? मैं बिल्कुल यार सच में। अबे तूने जरूर कोई फालतू का बुरा सा सपना देखा होगा भाई, और उसे ही तू रियलिटी समझ के ये सोच रहा है कि ये पानी हरा कैसे हुआ। अबे भाई साहब नहीं यार कल सीरियसली मैं यार ये कल पानी हरा हरा मेरे को दिख रहा था। अबे कैसी बात कर रहा है यार, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अबे कल दिख रहा था यार मेरे को। अबे चल चल, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार जरूर इस पानी के अंदर कुछ गड़बड़ है, डुबकी लगा के देखू क्या। अबे यार चौप तू भी क्या पागल वागल है क्या? मान ले यार कुछ गड़बड़ हो गई तो? अबे तू ही तो कह रहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो डुबकी लगाने में क्या दिक्कत है? हाँ वैसे बात तो सही है। हाँ ठीक है जंप लगा दे, उसमें क्या हो गया। ठीक है भाई साहब रुक जा। चलो भाई साहब स्विमिंग पूल का पानी वैसे यार रात को हरा था, अभी नीला हो गया वापस से। पता नहीं भाई इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे को तेरी बात झूठ लग रही है। अच्छा अभी देखते हैं यार कुछ होता है कि नहीं। ओके पानी के अंदर मैंने लगा ली है एकदम जबरदस्त वाली डुबकी। ओ भाई साहब पूरा ही भीग गया, क्या ही मजा आता है यार पानी के अंदर। अब चल भाई बाहर भी आ जा। मैं भाई आ रहा हूँ रुक जा यार, मस्त एकदम तैरने तो दे मेरे को। अबे चल भाई कितना तैरेगा यार, वैसे भी डॉगीज को ज्यादा पानी में नहीं तैरना चाहिए। चल भाई फटाफट से बाहर आ जा। ठीक है आ रहा हूँ रुक जा। चलो यार भाई साहब, अरे फिसल गया मैं तो। मैं बाहर निकल यार, चौप कितना डुबकी लगाएगा। अबे भाई साहब यार मैं उठ ही नहीं पा रहा भाई, फिसल रहा हूँ मैं बार बार। चलो भाई साहब फाइनली आया मैं पानी के बाहर। चलो भाई अब तो उठ जा तू। बे यार ये बहुत ज्यादा फिसलन भरा रास्ता है। चलो चलो चलो, बे कुछ नहीं हुआ यार कल मेरे को तो। वही तो मैं कह रहा था यार कुछ नहीं है दिक्कत इस पानी में। मैं तो कह ही रहा था तुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तू मानता ही कहाँ है। बे भाई साहब आओ, बे भाई साहब मेरी शक्ल बदल गई। क्या बात कर रहा है तू? बे भाई साहब आओ यार, मैं तो पूरा ही बदल गया, ये छोटा सा पप्पी कैसा बन गया मैं। हैं जरा सामने आइए तू। अबे हाँ यार तू तो एक सेकंड। ओ भाई वापस ऊपर आ। अबे ये देख भाई साहब कलुए यार, ये देख मैं छोटा सा पप्पी बन गया। लेकिन ये कैसे हो गया यार, तू तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा कुत्ता था, चौप था यार। भाई साहब यार ये पता नहीं क्या ही बन गया मैं, मूछो वाला कुत्ता। अबे चौप यार, और ये कैसे पूंछ तेरी एंटीने की तरह हिल रही है यार। मेरे को ठीक कर यार कलुए, मेरे को ठीक कर। अबे यार लेकिन भाई मैं कैसे ठीक कर दूं, मुझे थोड़ा ना पता है क्या ही हो गया तुझे। भाई साहब मैं कह नहीं रहा था इस पानी में गड़बड़ है, ये पानी कल रात को हरा हो गया था और वापस अचानक से सुबह नीला हो गया। मैं कह नहीं रहा था कुछ गड़बड़ है, तू ही नहीं मान रहा था। नहीं नहीं भाई अब मान गया मैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई इस पानी में, अब मान गया मैं। अब मानने का क्या फायदा यार, ये देख मेरे को क्या हो गया। अरे गाइस यार ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई यार, ये चौप तो बिल्कुल ही अनोखा सा ही बन गया है। भाई साहब ये देख दौड़ भी नहीं पा रहा मैं ढंग से पहले की तरह। वैसे यार चौप तुझे एक बात कहूं मैं। भाई साहब क्या यार, पहले से तू इस वाले रूप में ज्यादा क्यूट लग रहा है। तेरा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है मेरा कहने का मतलब कि तू पहले क्यूट नहीं था, पहले भी हाँ थोड़ा बहुत क्यूट होगा, बट अब तू बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार, क्या ही छोटा सा क्यूट सा पप्पी लग रहा है। भाई साहब यार नहीं, मेरे को वापस से पहले जैसा बनना है, मेरे को वैसा ही पसंद था मैं। अबे यार यही रहना, यही बढ़िया लग रहा है तू। हेलो क्यूटी चॉप ओलुलुलु। भाई साहब यार कल मेरे को वापस से पहले की तरह बनना है। अबे हाँ एक आइडिया है। क्या भाई साहब क्या? अबे देख पानी में तूने डुबकी लगाई तो तू ऐसा बन गया, क्या पता दोबारा डुबकी लगाएगा तो पहले जैसा बन जाएगा। भाई साहब यार तेरे कहने पे मैंने पिछली बार डुबकी लगाई थी तो ये हाल हो गया, कहीं दोबारा डुबकी लगाने से कुछ और ही ना हो जाऊं मैं। अबे कुछ भी नहीं होने वाला यार, पिछली
बार तूने डुबकी लगाई तो सिंपल सा ये हो जाएगा, फिर वापस से डुबकी लगा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और भाई सब पहले वाले चौप की तरह बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगा यार, इस बात के 90% चांस है। अबे लेकिन 10% तो चांस नहीं है ना। अबे मान ले भाई, अब चांस मान ले, दुनिया तो उम्मीद पे ही कायम है, तू भी बस कायम हो जाए उम्मीद पे। अब बादशाह यार कुछ गड़बड़ हो गई तो? अबे कुछ गड़बड़ नहीं होगी यार, तू बिंदास जा। अब बादशाह देख ले, अगर कुछ भी हुआ भेरे संग उल्टा पुल्टा, तेरा पिछवाड़ा नहीं छोड़ने वाला मैं। क्या मतलब है तेरा, नोच डालेगा क्या? बिल्कुल ऐसा नोचूंगा, बैठ नहीं पाएगा जिंदगी भर तू। भाई तू तो धमकिया दे रहा भाई, मैं नहीं कह रहा फिर कूदने के लिए, अब तो मैं कूद के ही रहूंगा। अबे यार पता नहीं भाई, मेरे को कुछ भी हो सकता है। मैं देखेंगे वो तो। चलो गाइस दोबारा से डुबकी लगाते हैं, देखते हैं मैं पिछली बार की तरह बदलता हूँ कि नहीं। लेट्स गो। ओके डुबकी तो वापस से मैंने बढ़िया वाली लगा दी है। चलो गाइस अब बाहर निकलते हैं स्विमिंग पूल के। भाई मैंने नहीं कहा है तेरे को डुबकी लगाने को। और चल बे कलुए, तूने ही कहा है और तेरी वजह से ही मैंने डुबकी लगाई है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तेरे को नहीं छोड़ने वाला मैं। चलो गाइस आ गया पानी के बाहर, अब इंतजार करते हैं यार मेरे अंदर कुछ बदलता है कि नहीं। पूछ कैसे हिल रही है यार, मेरे को वापस से पहले की तरह बनना है। बन जाएगा यार, जब तू टेंशन मतलब बन जाएगा, तू सिंपल से ये ध्यान रख कि प्रोसेस बस रिवर्स हो जाएगा। बे भाई साहब तेरा प्रोसेस रिवर्स नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। क्यों भाई क्या हो गया? अबे भाई साहब ये कौन सा अलग ही डॉगी बन गया बे? क्या बकवास कर रहा है बे? ये देख भाई ये देख। अबे ये क्या बन गया तू? बे भाई साहब यार पता नहीं। ओ भाई साहब ये वाला डॉगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस, एकदम लोमड़ी जैसा लग रहा है। बे भाई साहब तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। लोमड़ी गाइस नहीं, सियार जैसा लग रहा है। बे भाई साहब अब नहीं बचेगा तू। नहीं नहीं गाइस एकदम भेड़िया जैसा लग रहा है, तेरा पिछवाड़ा नहीं किसी कीमत पे बचेगा अब। बे भाई साहब कलवे बच सकता है तो बच। अरे भाई साहब गाइस ये चौप का बच्चा तो मेरे ही पीछे पड़ गया है। बे भाई साहब तू आज बचेगा नहीं मेरे हाथों से। अबे सॉरी भाई लेकिन मेरी वजह से तूने डुबकी नहीं लगाई है, तू मान क्यों नहीं रहा है? तू भाई खुद ही चला गया डुबकी लगाने के लिए। बे भाई साहब यार तूने इस डुबकी का आइडिया मेरे दिमाग में भरा, इसी वजह से मैंने डुबकी लगाई। आज तेरा पिछवाड़ा किसी भी कीमत पे नहीं बचेगा। बे भाई प्लीज यार चौप भाई तेरे आगे हाल जोड़ता हूँ, माफ कर दे भाई, तू आज बचने नहीं वाला मेरे हाथों से। अरे गाइस क्या ही हो गया यार ये चौप के साथ, मेरे को सीरियसली में कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ओ तेरी ये तो मेरा सच में आज पिछवाड़ा नहीं छोड़ेगा भाई। बे तू बचने वाला नहीं है। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं गाइस, अरे किधर भागूं मैं? एक काम करता हूं जल्दी से जाकर इधर कहीं छुप जाता हूं। लेट्स गो गाइस लेट्स गो। अरे आ गया आ गया आ गया। बे तुझे कैसे पता मैं यही छुपा हुआ था? बे तू भूल गया क्या, तू पंगे किससे ले रहा है? एक डॉगी से, और डॉगी की नाक की शक्ति सबसे तेज होती है। आई थिंक गाइस इधर सेव हूं मैं। चलो बच गया। इधर कहाँ से आ गया ये? बे भाई साहब यार तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक सेकंड गाइस एक सेकंड, बाहर जाके इधर इधर छुप जाता हूँ मैं। अरे अरे इधर भी आ गया ये। अरे बाइक पे ही भागना पड़ेगा। बे भाई साहब कल यार रुक जा, तू आज बचेगा नहीं मेरे हाथों से, बचेगा नहीं। बे भाई चौप यार प्लीज भाई पीछा छोड़ दे मेरा। बे कलुआ आज तो तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। अरे गाइस यार मैं क्या करूँ भाई चौप, मेरे पास एक तरीका है यार तेरे को बचाने का। क्या बात कर रहा है तू? हाँ हाँ बिल्कुल, तू वापस से पहले की तरह बन जाएगा, बस तू मेरा पीछा छोड़ दे। बे भाई साहब यार ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं, पहले तू तरीका बता तभी तेरा पीछा छोड़ूंगा मैं। ठीक है भाई देख तरीका सिंपल सा है, बस इंतजार कर, शायद कुछ देर बाद पहले की तरह हो जाए। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो तेरा मुंह मेरा पिछवाड़ा। बे भाई साहब क्या बोला तू? मतलब भाई छोड़ दियो प्लीज मेरे को यार प्लीज। बे भाई साहब यार नहीं यार तेरे को तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। अरे यार अबे एक बार ट्राई तो करके देख, क्या पता ये वर्क कर गया। ठीक है भाई साहब ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है। कितने घंटे में ठीक हो जाऊंगा मैं तेरे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग भाई मेरे को क्या पता, मैंने थोड़ा ना कुछ गड़बड़ की थी उस पानी के अंदर। फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ 10 घंटे इंतजार कर। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 10:30 बज रहे हैं, तो बस तू और इंतजार कर ले बस अपने 8:30 बजे तक का, शायद तब तक तू ठीक हो जाए। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो नहीं क्या भाई, 99.9% चांस है तेरे ठीक होने के। अच्छा ठीक है भाई साहब वेट कर ही लेते हैं, उसमें क्या है। थैंक यू भाई, आजा आजा चौप घर पे आजा। ठीक है भाई साहब, अगर नहीं हुआ ना भाई फिर देख तू क्या करता हूँ मैं। ओके ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, बस तू 8:30 बजे तक इंतजार कर ले, 10 घंटे कम से कम, उसके बाद तू ठीक हो जाएगा, शायद इस पानी का असर खत्म हो जाएगा। पता नहीं कैसा ही जादुई पानी है ये। ठीक है आ गया मैं आ गया। भाई साहब वैसे क्या लगता है यार पानी के अंदर क्या हुआ होगा? पता नहीं भाई मेरे को नहीं पता क्या हुआ होगा पानी के अंदर, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, किसी ने कुछ तो मिलाया है या फिर कुछ तो जादू किया है इस पानी के अंदर। हाँ वेट करते हैं 10:30 बजे का।
मैं बात साहब कर लू है, कितना टाइम है? बस बजने ही वाले हैं, कुछ देर बाकी है। अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे। गाइस यार तुम लोग देख सकते हो यार, अभी बज चुके हैं 8:30 और 8:30 बजने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट कम है। और मेरे को भाई लिटरली में लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है कि 5 मिनट में क्या ही बदलेगा चौप। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पतली गली से क्यों ना निकल लूँ। तो इसलिए गाइस फटाफट से निकलते हैं भाई। भाई साहब कल भागने की तो कोशिश बिल्कुल मत करियो। भाग कौन रहा है? मैं तो इधर, मेरे को एक अजीब सा पता नहीं तितली दिखी थी, उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ। फिर ठीक है भाई साहब, तितली उधर उधर गई है उधर। ठीक है पकड़ ले तितली। गाइस जल्दी भाग लो यार, क्योंकि जो मेरा आइडिया था वो तो काम नहीं किया। निकल लो इधर से। भाई साहब कल यार कहाँ चला गया तू तितली पकड़ते पकड़ते? ये बाइक की किसकी आवाज है? मेरी है और मैं भाग रहा हूँ। सॉरी चॉप। भाई साहब कल धोखा दे दिया तूने। फिलहाल तो गाइस तुम लोग जाग रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन प्रेस करके आज नोटिफिकेशन ऑन कर देना। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। यार पता नहीं ये चॉप कैसे ठीक होने वाला है, तब तक तो मुझे अपनी जान बचा कर रखनी पड़ेगी भाई, भागो। ऐसे तुम लोगों के पास कोई आइडिया तो गाइस कमेंट में जरूर बताना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। अरे भागो भागो। अब आज साहब कल भागता का है रुक।